नमस्कार, मैं हूँ राशि और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आज बाद लाडली बहना योजना की। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। शिवराज ने कहा कि आज नर्मदा जयंती के अवसर पर और नर्मदा जी के पवित्र तट पर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए योजना की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में लाडली बहना योजना को लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा, ये राशि सीधे उनके खाते में डाली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बहनें लंबे समय से उनकी शिकायत कर रही थी कि भांजा और भांजियों के लिए तो सरकार में कई योजनाएं रखी हैं, लेकिन बहनों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी शिकायत को दूर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लागू करने का ऐलान किया है। ये योजना शीघ्र ही मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस योजना में जाति का कोई बंधन नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की निवासी सामान्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके जरिए सरकार 5 सालों में प्रत्येक बहन के खाते में 60,000 रुपए डालेगी। प्रतिवर्ष ये राशि 12,000 रुपए रहेगी। नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी और हमारे जो गरीब बहने, मध्यम वर्गीय परिवार की बहने कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहने तो बहने, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रहे शिवराज। हालांकि योजना का लाभ ऐसी बहनों को मिलेगा जो आयकर दाता नहीं है, मतलब साफ है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को लाभ मिलेगा। लाडली बहना योजना के जरिए 1,000 रुपए प्रति माह पाने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की निवासी होना महिला आवश्यक है। इसके अलावा वो आयकर दाता नहीं हो, इतना ही नहीं महिला गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार की होना चाहिए। इस योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों बहनों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 65% बहनों को मिल सकेगा। लाभ अर्जित करने में सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके की बहनें शामिल रहेंगी। एमपी के सीएम ने घोषणा की और कहा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार को 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इस योजना से आएगा। बता दें कि साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने की दिशा में इसे शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि सरकार बैगा, सहरिया और भरिया समाज की महिलाओं को पहले से ही 1,000 रुपए प्रति महीना पोषण भत्ता रूप में दे रही है। तो ये थे आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की हर खबर पर है नजर।